नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएन 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थियों को उनका कहना है लाभ के बदले में रकम भी वसूली जा रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पीलीभीत के विकास खंड पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैजू नगर का मामला सामने आया है, जहां पर कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। लाभार्थियों का कहना है कि रहने के लिए छत नहीं है, छप्पर पोस्ट मकान में रह रहे हैं। कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। लाभार्थियों ने कई बार ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री आवास योजना की गुहार लगाई, लेकिन ग्राम प्रधान पति ने आवास देने की कोई सुध नहीं ली। मामला यहीं पर शांत नहीं होता है। सरकार द्वारा घर घर शौचालय बनवाए गए, लेकिन शौचालय में भी लेन देन का खेल खत्म नहीं हुआ। बैजू नगर निवासी उर्मिला देवी ने बताया कि शौचालय बनाए गए, उनके साथ 2000 ग्राम प्रधान पति ने लिए, जबकि योगी सरकार भले ही गांव गांव में लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा लाभ तो दिया जा रहा है, लेकिन लाभ के बदले में रकम भी वसूली जा रही है। क्या समस्या है? हमें प्रधान कुछ नहीं देते हैं। हम कमरा गाते हैं, छप्पर परे कहते लिंटर परे हैं, पर बनी तो है तुम्हारी। अच्छा। और लेटरी मिली वो हम ले ले 2000 रुपया। 2000 रुपया किसने लिए? प्रधान ने। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का क्या नाम है? कौन से गांव के प्रधान है? पेड़रा को है। अच्छा, आवास के लिए आपने फार्म डाला? कुछ नहीं, हमें कुछ बताते ना तो हम फार्म कर रहा है। क्या नाम है आपका? ताज रानी। कहाँ रहने वाली? ग्राम बैजूनगर। क्या समस्या आपकी? आवास नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि प्रधान जी 20,000 रुपए मांग रहे हैं और हमारे पास इतनी व्यवस्था हो नहीं रही है, इसलिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जीवीएन 24।